हेलो एवरीवन, ये वीडियो रुडयार्ड किपलिंग के बायोग्राफी एंड वर्क्स के बारे में है। रुडयार्ड किपलिंग एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट और पोइट थे 20th सेंचुरी के। और इस पीरियड में शॉर्ट स्टोरी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ और उसको बहुत सारे राइटर उसको प्रैक्टिस में लाए। हेनरी जेम्स, थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनराड, एच जी वेल्स, रुडयार्ड किपलिंग, ये सारे राइटर मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म बॉम्बे में हुआ 1865 में, और इनके फादर का नाम जॉन लॉकवुड किपलिंग था और ये प्रोफेसर थे आर्कियोलॉजी के, साथ ही साथ ये हेड थे लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट के। तो एट दैट टाइम इंडिया पे जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका रूल था। सो इन 1877 ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर स्कूलिंग। किपलिंग को 1877 में इंग्लैंड भेजा जाता है उनके स्कूलिंग के लिए, एंड हिज स्कूल बॉय लाइफ इज डिस्क्राइब इन हिज नॉवल स्टैकियन को। सो इनका जो भी स्कूल लाइफ था उस सबको आप उनके नॉवल स्टैकियन को में देख सकते हैं, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1899, और ये नॉवल 1899 में पब्लिश हुआ। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ हिज स्कूल डेज स्टोरी। सो स्टैकियन जो को नॉवल है उसमें आपको किपलिंग का जो स्कूल डेज का स्टोरी है, जो मेमोरीज है, वो सब आपको देखने को मिलता है। ऑन रिटर्निंग टू इंडिया ही वर्क एज ए रिपोर्टर ऑफ द सिविल मिलिट्री गैजेट एंड द पायनियर। और जब वापस ये इंडिया आते हैं तो उसके बाद ये रिपोर्टर के रूप में सिविल मिलिट्री गैजेट और द पायनियर में काम करते हैं। एंड इन 1891 किपलिंग विजिटेड अमेरिका एंड देन चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। उसके बाद 1891 में ये अमेरिका जाते हैं और फिर वहाँ से आने के बाद वो चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जाते हैं। एंड हिज जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज हेल्प इन हिज राइटिंग। और ये जितने भी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में गए, जितने भी कंट्री को ये विजिट किए, ये सारा जो उनका विजिट था ये काफ़ी हेल्प किया उनके राइटिंग्स में। एंड इन 1907 रुडयार्ड किपलिंग रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर। और 1907 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है इनके आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश लिटरेचर में उनके लिए। अभी हम लोग देख लेते हैं रुडयार्ड किपलिंग का जो फेमस वर्क है, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनका अगर फर्स्ट मेजर वर्क के रूप में देखें तो बैलेट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि 1889 में पब्लिश हुआ। वहीं बैरक रूम्स बैलेट्स 1890 में, द जंगल बुक 1894 में, द ब्रसुड बॉय 1895 में, और किम 1901 में पब्लिश हुआ। अभी हम लोग इनके जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसको देख सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग आंसर या फिर एमसीक्यू में आपको हेल्प करेंगे। जैसे बैलेट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट किपलिंग का एक पोएम है और ये 1889 में पब्लिश हुआ। एंड द ओपनिंग लाइंस ऑफ द पोएम बिकेम कंट्रोवर्शियल। जो इस पोएम का ओपनिंग लाइन है बैलेट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। इसके पीछे एक रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिक ये मानते हैं कि ये पोएम कहीं ना कहीं किपलिंग में जो रेसिज्म था उसको दिखाता है, या किपलिंग के वर्क में जो रेसिज्म था उसको दिखाता है। लाइक कि हो ईस्ट एंड ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्विन शैल मीट टिल अर्थ एंड स्काई स्टैंड प्रेजेंटली एट गॉड्स ग्रेट जजमेंट सीट। ये काफ़ी फेमस लाइन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया। सो ये लाइन पैलेट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट से लिया गया है। देन उनके बैरक रूम बैलेट्स के बारे में बात करते हैं। किपलिंग का ये जो पोएम है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। सो ये इसमें आपको कलेक्शन मिलता है सॉन्ग्स एंड पोएम का बैरक रूम बैलेट्स में, एंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। और ये जो सीरीज ऑफ पोएम है सॉन्ग्स है, ये 1890 में पब्लिश हुआ। इट इज़ अबाउट द इंग्लिश और ब्रिटिश आर्मीज एंड द इम्पीरियलिज्म। सो ये जो पोएम है इसमें तो सीरीज है, बहुत सारा सॉन्ग है, पोएम है, और ये सारे सॉन्ग और पोएम इंग्लिश जो आर्मीज थे या ब्रिटिश आर्मीज थे, साथ ही साथ इंग्लिश इम्पीरियलिज्म था उसके रिगार्डिंग है। इसमें आपको पोएम्स और सॉन्ग देखने को मिलेगा। देन द जंगल बुक, जो कि किपलिंग का एक बहुत ही पॉपुलर फिक्शन है, नॉवेल है, और ये नॉवेल 1894 में पब्लिश हुआ। इस नॉवेल में जो हीरो है वो मोगली है, एंड वो इज सेव्ड बाय मदर उल्फ फ्रॉम ए मैन ईटिंग टाइगर शेर खान। सो मोगली जो कि इस नॉवेल का प्रोटागोनिस्ट है, और जब ये छोटा सा चाइल्ड रहता है तब उसको बचाया जाता है जंगल में एक मदर उल्फ के द्वारा, और ए मैन ईटिंग टाइगर जिसका नाम है शेर खान, वो इसके पीछे पड़ा रहता है मोगली। तो किस टाइप से जो मदर उल्फ है वो मोगली को बचा लेती है। मोगली इज प्रोटेक्टेड एंड रेज इन फॉरेस्ट बाय उल्फ।
तो मोगली को हमेशा ही जो मदर उल्फ है या उनके जो हस्बैंड है उनके द्वारा और भी जो अदर उल्फ है उन सबके द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया जाता है शेर खान से, और उसी जंगल में वो बढ़ता है और सयाना होता है। द स्टोरी इज सेट इन सिनून, मध्य प्रदेश इन इंडिया। सो इस नॉवेल का जो सेटिंग है वो मध्य प्रदेश इंडिया में है। देन प्रसूद बॉय, किपलिंग का ये जो नोवेला है द प्रसूद बॉय, ये 1895 में पब्लिश हुआ, एंड इट इज अबाउट ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हु इज फर्स्टली पोस्टेड टू इंडिया। सो इसका जो स्टोरी है वो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर के बारे में है जिसका जो पहला पोस्टिंग होता है वो इंडिया में होता है, एंड द नेम ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर इज जॉर्ज कॉटर। सो उस ब्रिटिश आर्मी का नाम है जॉर्ज कॉटर, जो कि इस मतलब नोवेला का प्रोटागोनिस्ट है। देन किम, किपलिंग का ये जो वर्क है किम, ये पिकारेस्क नॉवेल है, एंड ये नॉवेल आपको 1901 में पब्लिश हुआ। दिस नॉवेल इज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन इन सेंट्रल एशिया। सो ये जो नॉवेल है किम, ये दिखाता है कॉन्फ्लिक्ट का रशिया और ब्रिटेन के बीच में, जो कि सेंट्रल एशिया में जबकि उपनिवेशवाद का टाइम था उस समय जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था रशिया और ब्रिटेन में उसमें बेस्ड है। और इस नॉवेल के जो प्रोटागोनिस्ट है वो किम है, एंड हु इज एन ऑर्फेंड सन ऑफ एन आयरिश सोल्जर ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। और किम एक ऑर्फेन सन है, एक ऑर्फेन लड़का है जो कि उसके फादर एक आयरिश सोल्जर रहते हैं, और वो इंडिया में उनका पोस्टिंग रहता है ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। और किम लिव्स इन इंडिया एंड अर्न्स हिज लिविंग बाय बेगिंग। सो किम एज एन ऑर्फेन चाइल्ड आपको नॉवेल में देखने को मिलेगा किस टाइप से इंडिया में रहता है और अपने जो जीने के लिए वो किस टाइप से भीख मांगता है इसके इसको इससे रिलेटेड है। थॉमस नैस का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर 1594 में आया, जो कि माना जाता है फर्स्ट इंग्लिश पिकारेस्क नॉवेल। सो दिस वॉज द शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग रुडयार्ड किपलिंग्स बायोग्राफी एंड वर्क्स। होप इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।